तो बहुत दिनों बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। और ये मुलाकात क्यों, क्या आरएस का नोटिफिकेशन आ गया? वैसे तो मैं जो टेलीग्राम के थ्रू आप सब लोगों से जुड़ा रहता हूँ, लेकिन आप लोगों ने एक नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ समय से है ना, मैं आपसे उतना रेगुलर इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा हूँ और जो स्ट्रेटेजीज़ वगैरह है ना, डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आरएस 2023 का जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसके अंदर हमने बहुत सारी प्रीलिम्स की क्लासेस ली थी, ऑलमोस्ट राजस्थान की हिस्ट्री हमने पूरी कवर की थी, पॉलिटी हमने कवर किया, ज्योग्राफी को कवर करने की कोशिश की, साइंस एंड टेक बेहतरीन तरीके से कवर की, इकोनॉमिक्स हमने कवर की, इथिक्स क्लासेस भी कवर करने की कोशिश की। तो आरएस का बहुत सारा सिलेबस हमने कवर किया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा तो जो ड्यूटी का लोड है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से थोड़ा सा समय नहीं निकाल पाए। उसके अलावा एक मैंने, आपको पता है, अभी इथिक्स की बुक निकाली थी, तो उस बुक का कंटेंट मतलब आप देखोगे ना तो बहुत ही अल्टीमेट कंटेंट उसको लिखा। तो पुराने जैसे मैं आरएएस आईएएस दोनों की तैयारी करता था, इथिक्स दोनों ही जगह आती थी, तो काफ़ी सारा इधर उधर का कंटेंट इकट्ठा किया हुआ था, तो उसको एक जगह वन स्टॉप सॉल्यूशन करने के, समराइज़ करने के चक्करों में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। उस वजह से मैं आपके साथ मतलब जो स्ट्रेटेजीज़ वगैरह शेयर नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि अब जो जितना भी टाइम है, तो यदि वीकेंड के ऊपर मुझे जो भी समय मिलता है उसमें मैं मेरे जो छोटे भाई बहन हैं उनको गाइड कर सकूँ, ताकि जो कुछ हमने पिछले 2-3-4 सालों में संघर्ष करके सीखा था जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे, उसके बाद जब बहुत सारे लोगों को सिखाया, जैसे लास्ट ईयर आपको पता होगा अपने टेलीग्राम ग्रुप से 1800-2000 से ज़्यादा लोग ना प्रीलिम्स से सेलेक्ट हुए थे, उन लोगों से सीखा। बहुत सारे लोग मेरे ऑफिस में भी आते हैं मिलने के लिए, जो हमारी यूट्यूब क्लासेस देख के सेलेक्ट हुए हैं और जो अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं। बहुत सारे लोगों को बाद में देखा जो मेरे साथ जुड़ के तैयारी कर रहे थे, वो फेल क्यों हुए, वो पास क्यों हुए, उनसे भी बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला है। तो अब वो सीखने को मिला है, तो अभी जैसे आपको ये पता होगा कि फरवरी के अंदर आपका एग्ज़ाम होने वाला है, फरवरी 2025 के अंदर, तो आज के टाइम से अभी आपके पास अक्टूबर हाफ पड़ा है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, तो आपके पास लगभग अभी भी जो टाइम है वो 115 डेज़ के आसपास है। तो हम 115 डेज़ को टारगेट लेके नहीं चलेंगे, हम ये सोचते हैं कि यदि लास्ट 100 डेज की स्ट्रेटेजीज होती तो किस तरीके से तैयारी करते। और ये मैं इस तरीके से नहीं बता रहा कि आप एस्पिरेंट हो और मैं सेलेक्टेड हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो मैं यही सोच के बना रहा हूँ कि यदि मैं वापस से प्रीलिम्स दे रहा होता आरएस 2025 का, तो मैं अपनी लास्ट 100 डेज की क्या स्ट्रेटेजीज रखता। उसमें आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे, जो डाउट्स इस वीडियो के अंदर मैं कुछ कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन उसके बाद भी आपको काफ़ी डाउट्स और रह सकते हैं। काफ़ी डाउट्स आपको आएंगे तो वो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखने हैं। अब कमेंट सेक्शन में मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप एक अपने डाउट्स लिख दें, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ उस वीडियो में आपके वो डाउट्स को मैं क्या कर दूँगा, कवर कर दूँगा। सेकेंड, आपकी जो लर्निंग्स रही हैं आरएस से रिलेटेड वो लिखें, ताकि आपके जो साथी हैं जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको उनका फ़ायदा मिल सके। तो ये दो चीज़ आप करेंगे तो इससे काफ़ी इंटरेक्टिव होगा। अब मुझे वीकडेज़ में काफ़ी कम टाइम मिलता है, और आपको पता ही है कि एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पीक प्रायोरिटी है मेरी, सबसे मेन प्रायोरिटी है, वहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा टाइम देता हूँ। लेकिन मैंने आपसे डिसाइड किया है कि वीकेंड के ऊपर आपको गाइडेंस से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी, क्योंकि पढ़ना आपको है, लेकिन कम से कम आपको पता हो कि किस डायरेक्शन में पढ़ना है। और कोई भी मेहनत करने वाला बच्चा केवल डायरेक्शन के अभाव के कारण सेलेक्ट ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, वीडियो बनाने का एक कारण ये भी है कि आजकल जो भी पेड गाइडेंस मिलती है, जो आपकी कोचिंग्स हैं या अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा बायस्ड आपको डायरेक्शंस मिलती है। सब कोचिंग वाले केवल अपनी ही कोचिंग के नोट्स को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने की कोशिश करते हैं, किसी भी तरीके से वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो आरएस मेंस के अंदर, आरएस प्रीलिम्स के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं वो उन्हीं की बुक से आए हैं। तो इसलिए मैं ये एक बहुत ही अनबायस्ड ओपिनियन रखता हूँ, मैं किसी भी कोचिंग का कोई भी नाम नहीं लेता। जनरली यदि किसी कोचिंग का एक सब्जेक्ट का कंटेंट बढ़िया है तो उसी एक कोचिंग का एक पार्ट अपन पढ़ेंगे। अपने को कहीं से भी बढ़िया कंटेंट चाहिए है
तो अपन एकदम बहुत ही अनबायस तरीके से हम जो ये वीडियो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि आरएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आरएस प्रीलिम्स के अंदर 150 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 200 मार्क्स का है। तो यहाँ पे सबसे मेन ये है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है वो 4/3 मार्क्स का है। अब ये एक टिपिकल सिचुएशन है, आप कहीं भी देखेंगे ना तो ना मतलब वहाँ पे क्वेश्चन या कितना, जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है या किसी और एग्ज़ाम में आपका 1 मार्क्स का होता होगा, यहाँ पे 4/3 मार्क्स यदि आपका राइट होता है तो मिलते हैं और यदि गलत होता है तो उसके 4/9 मार्क्स कटते हैं। तो ये एक टिपिकल कैलकुलेशन होती है। इस कैलकुलेशन के बाद आपको जब पता चलेगा कि जो लास्ट ईयर जो हमारी कट ऑफ गई थी वो 98 गई थी, यदि 98 कट ऑफ है तो लगभग आपको 75 क्वेश्चन जो हैं वो सही करने पड़ेंगे गलत होने के बाद। लेकिन हमेशा से आपको कुछ मार्जिन लेके चलना चाहिए, मार्जिन लेके चलना चाहिए। तो आप ये मान के चलो कि आपको ना 80 क्वेश्चन लगभग आपको क्या करने हैं, सही करने हैं। सही करने मतलब गलत होने के बाद। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं समझाता हूँ, यदि आपने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसमें से यदि आपके 30 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है, 120 क्वेश्चन आपके सही हो गए, 30 क्वेश्चन आपके गलत हो गए 150 में से, ठीक है। तो यदि 30 क्वेश्चन गलत हो गए इसका मतलब है टोटल ये 10 क्वेश्चन नेगेटिव हो गए, 120 में से फिर 10 गए तो ये 110 क्वेश्चन अल्टीमेटली सही होंगे। तो इसी तरीके से आप यदि 110 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट करते हैं, मतलब जो आप 110 क्वेश्चन सही करते हैं और फिर आपके 30 क्वेश्चन यदि गलत होते हैं तो आपका ओवरऑल जो सही होगा वो 100 होगा। तो आपको उस हिसाब से आपको कितने क्वेश्चन सही करने हैं यदि आरएस की प्रीलिम्स की कट ऑफ पास करनी है, तो वो करने हैं आपको 80 क्वेश्चन। अब ये 80 क्वेश्चन आपके कौन कौन से सब्जेक्ट से आएंगे, क्या हर सब्जेक्ट इक्वली हार्ड आता है, क्या हर सब्जेक्ट इक्वली ईजी आता है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये जो जितने भी सब्जेक्ट लगाए हैं इन सबसे लगभग जो 20 के आसपास क्वेश्चन हैं वो आते हैं, लगभग जो आपको मैं मेजर जो रेंज है ना वो बता रहा हूँ। और आरएस की ब्यूटी जो है ना वो भी इसी चीज़ के अंदर है। जैसे यूपीएससी से ये एग्ज़ाम इसलिए अलग हो जाता है कि यूपीएससी में यू नेवर नो कि इस साल जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से ज़्यादा आएंगे, मैपिंग से आएंगे, एग्रीकल्चर से आएंगे, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा आएंगे। लेकिन आरएस के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा एक सेट पैटर्न रहता है कि हर सब्जेक्ट से ऑलमोस्ट 20-20-20 क्वेश्चन ही आते हैं, मेनली करंट अफेयर, मैथ, सीजिंग या हिस्ट्री से क्वेश्चन हैं वो थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं 20 से 30। और इसके अंदर भी एक बहुत ही ज़्यादा मेच्योर्ड रेशियो रहता है कि इसमें जो राजस्थान से 10 क्वेश्चन आएंगे और इंडिया वाले पार्ट से भी कितने आएंगे आपके 10 क्वेश्चन, सेम इकोनॉमी के अंदर है और सेम ही आप ना साइंस टेक्निक ये हिस्ट्री में और पॉलिटी में देखोगे ना तो ये जनरली ऐसा ही होगा, 10 वाले क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री के अंदर आर्ट एंड कल्चर भी इसी के अंदर इंक्लूड है, ठीक है, ये अपना हो गया पार्ट, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे हैं ना जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो लोग भी पूछते रहते हैं कि साहब हम तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की तो आरएस के लिए क्या अलग करना पड़ेगा। आरएस के लिए कुछ अलग नहीं करना आपको, आरएस के लिए केवल आपको राजस्थान वाला जो पार्ट है ना वो और जो करंट अफेयर है ना वो यूपीएससी से बहुत ज़्यादा अलग आता है। इन दो चीज़ों को आपको अलग से कवर करना पड़ेगा। जो राजस्थान के लगभग 40 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर के लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन करंट अफेयर बहुत ज़्यादा सिंपल आता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल जो राजस्थान का आता है, बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल इन नेचर आता है, बहुत ज़्यादा आपको डीप में जाके तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। एक जगह से आपने कोई अच्छा सोर्स किया तो आपके कम से कम 15 क्वेश्चन आप आसानी से सही कर सकते हैं। राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आते हैं, 15 से 20, तो जो आप बेसिक बुक से भी सही कर सकते हैं और जो पुराने जो PYQs हैं वो यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो वहाँ से भी ये कवर हो जाते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको ये सब्जेक्ट लिखे, मैंने ये सब्जेक्ट ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, साइंस, हिस्ट्री और पॉलिटी इसी क्रम में क्यों लिखे, इसी क्रम में इसलिए लिखे क्योंकि राजस्थान का आरएस का जो एग्ज़ाम है उसमें जो सबसे ज़्यादा सिंपलर क्वेश्चन आते हैं वो ज्योग्राफी के आते हैं। तो अब कैसे डिसाइड करोगे सर कि सिंपलर क्वेश्चन कौन से हैं? सर आपको तो ना ज्योग्राफी ज़्यादा अच्छे से आती है इसलिए आप बोल रहे हो कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन आसान होते हैं, या मेरे को ज्योग्राफी टफ़ लगती है तो मेरे लिए तो ज्योग्राफी टफ़ हो गई ना,
वो एक अलग पर्सपेक्टिव है आपका। आपके यदि कोई सब्जेक्ट आपको आसान लगता है, आपके आरएस के क्वेश्चन आप उसके इजीली अटेम्प्ट कर पाते हैं, तो आप उसकी सीक्वेंस इसमें यहाँ पे चेंज कर सकते हो, उसको ऊपर डाउन नीचे कर सकते हो। लेकिन अभी मैं ये क्राइटेरिया जो मतलब कि इंक्लूड कर रहा हूँ कि यदि किसी बुक्स के अंदर जो भी कंटेंट दिया हुआ है वहाँ से यदि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो मैं उनको इजी की कैटेगरी में रख रहा हूँ। तो उस कैटेगरी के अंदर जो ज्योग्राफी है वो आपका एकदम परफेक्ट सेट होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वहीं से आते हैं। इकोनॉमी के अंदर भी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा जो इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, आसानी से होने वाले क्वेश्चन होते हैं। जो राजस्थान की इकोनॉमी के क्वेश्चन आते हैं, जो पिछले 6 महीनों के करंट अफेयर या इकोनॉमिक सर्वे जो लास्ट ईयर का है उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं। करंट अफेयर की बात करें तो राजस्थान में जनरली 6 से 8 महीने का ही करंट अफेयर प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो भी जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि मुमल या क्रोनोलॉजिकल दोनों में से कोई भी एक मैगजीन आप फॉलो कर लो और पिछले 6 से 8 महीने के अंदर का करंट अफेयर पढ़ोगे तो मेजर पार्ट इसमें भी पूरा कवर आपका हो जाएगा। मैथ रीजनिंग में आप ये मान लीजिए 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 5 से 7 क्वेश्चन टफ हैं, 5 से 7 क्वेश्चन मीडियम कैटेगरी के हैं, लेकिन लगभग 10 जो क्वेश्चन है ना वो काफ़ी आसान कैटेगरी के आते हैं, तो जिन उनको भी आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। साइंस एंड टेक राजस्थान की थोड़ी सी टिपिकल आती है, थोड़ी सी टिपिकल इन द सेंस है कि कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं जो जनरली हमारे जो मेन स्ट्रीम की जो बुक्स होती हैं या फिर जो अपनी स्टैंडर्ड बुक्स हैं ना उनसे वो कवर नहीं होते। लेकिन इसमें बस आपको यही एक दिमाग को ट्रेंड करना है कि वो जो यदि आउट ऑफ बुक टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं वो मेरे लिए नहीं आ रहे, वो सभी के लिए आ रहे हैं और उनमें सभी को प्रॉब्लम होती है। फिर भी आप साइंस एंड टेक है ना, मतलब ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा रिवार्डिंग है, आपने यदि थोड़ा सा भी पढ़ लिया, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, आपके 10 से 12 क्वेश्चन ये ठीक करा सकता है। हिस्ट्री को मैंने काफ़ी लो रखा है क्योंकि आपने यदि राजस्थान हिस्ट्री के जो क्वेश्चन देखे होंगे तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन आते हैं जो हम स्टैंडर्ड बुक्स में पढ़ते हैं। जनरली जो हमारी आरबीएससी की बुक है या कुछ जो मेजर छोटे नोट्स हैं उनमें ना वो जनरली हिस्ट्री के क्वेश्चन ना कवर नहीं होते। आर्ट एंड कल्चर के लिए भी सेम बात ऐसा ही है, इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट को थोड़ा नीचे रखा है। क्योंकि आप यदि ऊपर से सब्जेक्ट्स को कवर करना स्टार्ट करेंगे ना, तो यदि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, मैथ एंड साइंस एंड टेक भी कर लेंगे तो आप लगभग 110 क्वेश्चन के आसपास ना आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, और उन 110 क्वेश्चन में से भी आप 80 क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने वो सब्जेक्ट बताया, जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे ज्योग्राफी में 20 में से 20 क्वेश्चन सही हो गए थे, इकोनॉमी में भी 20 में से 20 क्वेश्चन, तो 40 क्वेश्चन सही होने से मेरा जो मतलब मार्क्स थे वो 80 तो वहीं मतलब 60 मार्क्स तो मेरे वहीं से आ गए थे। तो मतलब आप है ना, मतलब दो ही सब्जेक्ट से करंट मतलब उतना पास में चले गए। मैथ और रीजनिंग भी बींग इन मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था मैं, तो मैथ और रीजनिंग भी बढ़िया थी, तो वहाँ से भी मेरे 31 नंबर आ गए। तो मैं ना मतलब कट ऑफ के जस्ट पास तो 2 या 3 सब्जेक्ट से ही पहुँच जाता था। इसलिए हिस्ट्री और पॉलिटी मतलब जनरली आप यूपीएससी में देखोगे पॉलिटी बहुत कंसेप्चुअल नेचर की और इजी नेचर की आती है, यहाँ पे ना फैक्चुअल नेचर की आने की वजह से है ना पॉलिटी भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट आती है। इसलिए आप मेरी जो राय है उसके अनुसार ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर को पहले पढ़ें और बाकी सब्जेक्ट्स को आप बाद में कवर करें। अब एक दूसरा डाउट आपका आता है कि क्या सर हम इस समय पे मेंस को कवर करें? तो अब देखो जो बच्चे पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हैं ना उन्हें ना मतलब कि बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं लेनी, केवल प्रीलिम्स की तैयारी करो, प्रीलिम्स के बाद जितना भी टाइम मिलेगा उसमें अपन मेंस की तैयारी करेंगे। लेकिन जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी मेंस दिया हुआ होगा तो उनकी तैयारी क्या होगी? अच्छी होगी। उनकी तैयारी यदि अच्छी है तो उनको ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए मेंस के जिनका मार्क्स पर आवर का जो रेशियो है वो बढ़िया रहे। अब सर ये मार्क्स पर आवर का रेशियो क्या है इसको थोड़ा समझा दो, मतलब कि यदि आप 50 घंटे पढ़ने से आप कितने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। सर जैसे एग्जाम्पल के लिए बताओ आप कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, जैसे इथिक्स, ठीक है, इथिक्स टोटल कितने नंबर की है? लगभग ना अपने 65 नंबर की इथिक्स मेंस के अंदर आती है, और लगभग आप 65 घंटे पढ़ भी लोगे ना तो 65 घंटे पढ़ते ही है ना ये लगभग 1 का रेशियो रह रहा है, मतलब 1 घंटे में आप 1 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। और अभी देखो राजस्थान हिस्ट्री का बताता हूँ, राजस्थान हिस्ट्री से आपके ना मैक्सिमम 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं मेंस के अंदर, और राजस्थान हिस्ट्री को पढ़ने के अंदर कम से कम आपको ना मतलब कि 150 घंटे तो मिनिमम लगते हैं यदि आप एकदम फास्ट से फास्ट पढ़ो। तो ये रेशियो पॉइंट
वन का आया है, मतलब ऐसे सब्जेक्ट को मेंस के लिए आप अवॉइड करें। इथिक्स जैसा सब्जेक्ट है 65 घंटे में पढ़ने से आपको 65 नंबर तक का मतलब सिलेबस कवर हो रहा है, मतलब वो रेशियो 1 आ रहा है, इसका मतलब है उन सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। तो इथिक्स जैसा सब्जेक्ट आप साथ साथ में कवर कर सकते हैं। और इथिक्स के लिए जैसे मैंने पहले ही बताया वन स्टॉप सॉल्यूशन क्या है, हमारी जो इथिक्स की किताब आ रही है उस पर इतनी मेहनत की हुई है, इतनी मेहनत की हुई है कि वो मेहनत आपको दोबारा से नहीं करनी पड़ेगी। जैसे एक फेमस डायलॉग है ना कि यदि आप ना मतलब कि री इन्वेंट ना करें व्हील को, मतलब कि जो यदि किसी ने ना टायर बना दिया तो आप वापस से टायर बनाने की मेहनत ना करें, उस टायर का यूज करके आप एक अच्छी कार बनाएं। तो आप जैसे इथिक्स का जो मटेरियल है उसको इधर उधर से जितना भी मिला ना उस सब को जोड़ के ना एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हमने आपके लिए बना के रख दिया। आप तो सीधा इथिक्स बाय गौरव बडानिया सर्च करो, लेकिन उसकी एक कमज़ोरी है बुक की, वो ये है कि वो केवल इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि मेरा जो मेजॉरिटी मतलब यूपीएससी के अंदर जो मैंने इंग्लिश से ही तैयारी की थी तो मेरा कंटेंट इंग्लिश में ही था, तो उसको मर्ज किया तो वो इंग्लिश में ही है, और उसको हिंदी करने के लिए हिंदी ट्रांसलेशन के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आई होप कि जब तक आप मेंस दोगे वो हिंदी में भी आ जाएगी। और एक बार है ना मतलब कि बुक्स वैसे तो मेनली यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से लिखी है, लेकिन आरएस के सारे टॉपिक्स भी ना उसमें कवर्ड हैं, तो आप एक बार ना मतलब बुक स्टोर पे जाके बुक को देखोगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। आप ना इथिक्स की ऐसा करना, इथिक्स की 2-3 बुक्स हैं उन सभी बुक्स को देखना, और उसके बाद आपको देखना है कंटेंट के अंदर कितना डिफरेंस मिलेगा। अब आ जाते हैं सर, ये सारी चीज़ तो समझ में आ गई कि कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट बाद में पढ़ना है, ये सारा एकदम क्लियर हो गया है, लेकिन आप तो ये बताओ कितने टाइम में हमें क्या क्या कर लेना चाहिए। अब इसमें मैंने 2 प्रकार की स्ट्रेटेजीज ना मतलब देखी, मैं स्ट्रेटेजी नंबर ये 1 है इसको फॉलो करता था, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने स्ट्रेटेजी नंबर 2 फॉलो की और उनका भी रिजल्ट अच्छा रहा, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं बच्चों के साथ जब शेयर कर रहे हैं तो दोनों ही स्ट्रेटेजी शेयर कर देते हैं, जो भी बच्चे को अच्छी लगेगी वो स्ट्रेटेजी को वो फॉलो कर लेगा। अब अपने पास कितने दिन है, अपने पास है 100 डेज, तो मैं क्या करता था उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता था, 2 हिस्सों में डिवाइड, जैसे कि 70:30 में डिवाइड कर लिया। मैं 70 डेज है ना पढ़ने के लिए रखता था, और लास्ट के 30 जो डेज होते थे ना वो मैं किसके लिए रखता था, रिवीजन और प्रैक्टिस टेस्ट के लिए रखता था। अब 70 डेज में मुझे पढ़ना है तो 70 डेज में मैं क्या करता, उसको इक्वली 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लेता। जैसे 70 दिन है तो मानो कि अपना ना मतलब कि 23 और 23 दिनों के अंदर मैंने क्या कर लिया, इसको डिवाइड कर लिया। अब 23 दिनों के अंदर है ना मैं 2 सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करूँगा, नेक्स्ट 23 डेज के अंदर 2 सब्जेक्ट को, नेक्स्ट 23 डेज के अंदर 2 सब्जेक्ट को। अब वो कौन कौन से 2 सब्जेक्ट हैं, वो जैसे कि मैंने आपको ना एक सीक्रेट्स ऑफ सुपर स्टूडेंट नाम से सीरीज बताई थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि कैसे ना जो राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन है ना वो कैसे एक दूसरे के साथ काम करके ना मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो आप एक चीज़ बताना कि जो सीक्रेट्स ऑफ सुपर स्टूडेंट है वो सीरीज़ आपको कैसी लगी, और उसमें आप आगे वापस और नए फंडे जानना चाहते हो क्या, फिर हम उसको भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था कि हमारा ना मतलब जब भी हम पढ़े ना तो 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने चाहिए, उसमें से एक फैक्चुअल नेचर का होना चाहिए, दूसरा कंसेप्चुअल नेचर का होना चाहिए। तो इसमें अपने फैक्चुअल नेचर वाले कौन से हैं, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी ये, और कंसेप्चुअल नेचर वाले कौन से हैं, मैथ, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक। तो इनमें से एक एक सब्जेक्ट आप सबसे पहले उठा लो। जैसे सबसे पहले ना इकोनॉमी और ज्योग्राफी उठा सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिवार्डिंग सब्जेक्ट हैं, तो इनको आप ना मतलब कि उठा लो। फिर जैसे कि ना मतलब आप ना करंट अफेयर और साइंस एंड टेक उठा ली, फिर पॉलिटी और मैथ उठा ली, लास्ट में आपने हिस्ट्री कवर कर ली। इस तरीके से आपको नेक्स्ट 70 डेज के अंदर 2-2 सब्जेक्ट को लेते हुए इनको पूरा करना है, और फिर लास्ट के 30 डेज में क्या करना है, 2 काम करने हैं कि आप उस दिन को ना पूरे दिन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो। पहले हाफ के अंदर आप रिवाइज करो और सेकंड हाफ के अंदर आप ना प्रैक्टिस टेस्ट पेपर दो। तो इस तरीके से आपका ना रिवीजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और पूरी स्टडी भी हो जाएगी। तो ये एक आप ना मतलब जो टाइमलाइन है ना उसको फॉलो कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग है ना मतलब कि क्या होते हैं, जब नया नया सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं 70 दिन तक और रिवीजन नहीं करते ना और प्रैक्टिस पेपर नहीं लगाते ना, तो वो बहुत ज़्यादा ना डिप्रेशन में आ जाते हैं, कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। इस स्ट्रेटेजी को यदि आप फॉलो कर रहे हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि हाँ मैं 70 दिन के अंदर मेरा सिलेबस पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं रिवीजन और टेस्ट लगा दूंगा। तो आपको घबराना नहीं है यदि ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर रहे हो।
सेकेंड स्ट्रेटेजी देखो क्या होती है। सेकेंड स्ट्रेटेजी में ना लोग ये करते हैं कि सबसे पहले जैसे कि मानो कि 25 दिन का आपने टारगेट ले लिया कि नेक्स्ट 25 डेज के अंदर मैं क्या करूँगा कि दो दो सब्जेक्ट है, कोई भी दो सब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पॉलिटी और ज्योग्राफी ले लेता हूँ, मैं इन पॉलिटी और ज्योग्राफी जिससे 40 के आसपास मेरे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, तो उन सब्जेक्ट्स को मैं पहले ले लूँगा और इन दोनों सब्जेक्ट्स को मैं पूरा कवर कर दूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि हर जैसे कि 15-15 दिन का एक स्लॉट रखूँगा, जैसे फिर नेक्स्ट 15 डेज, अब नेक्स्ट 15 डेज के अंदर मैं एक नया सब्जेक्ट ले लूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया हिस्ट्री, और फिर जो ये दोनों सब्जेक्ट थे उन दोनों सब्जेक्ट का मैं क्या करूँगा, रिविज़न करूँगा, इन दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी टेस्ट होंगे ना वो मैं टेस्ट लगाऊँगा। फिर 15 डेज में करने के बाद नेक्स्ट 15 डेज के अंदर वापस से आप एक सब्जेक्ट ले लोगे, रिविज़न कौन से सब्जेक्ट का करोगे, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, और उन सब्जेक्ट से रिलेटेड टेस्ट लगा लोगे। फिर नेक्स्ट 15 डेज के अंदर मैं एक और सब्जेक्ट ले लूँगा, जैसे यहाँ पे मानो कि मैंने मैथ्स एंड रीजनिंग ले ली, ठीक है, यहाँ पे मैंने वापस से इकोनॉमी ले ली, अब इकोनॉमी को कवर करूँगा और पिछले जो मैथ, जो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का मैं यहाँ पे क्या करता जाऊँगा, रिविज़न करता जाऊँगा। इस तरीके से आगे बढ़ने का एक फ़ायदा ये होता है कि इसमें साथ साथ में आपका रिविज़न और साथ साथ में इसका आपका टेस्ट है ना होता रहता है, तो आपको जो ना मतलब जब आप टेस्ट प्रैक्टिस करते हो, जब आप ना मतलब कि जो मॉडल पेपर होते हैं उनको प्रैक्टिस करते हो, PY को उसको प्रैक्टिस करते हो, तो आपको एग्ज़ाम का आइडिया भी लगता रहता है कि ना मतलब इस एग्ज़ाम को ना मतलब किस चीज़ की डिमांड है, तो उस डिमांड के अकॉर्डिंग आप ना मतलब अपने जो तैयारी कर रहे हो आप उसको ना मतलब कि चेंज कर सकते हो। तो आप इसमें देखोगे ना तो ये ऐसा हो गया 25 और 15 ये 40, फिर ये 30 हो गया 70, फिर आप जैसे लास्ट में अब इसमें आपने देखा मेजरली 5 सब्जेक्ट कवर हो गए, फिर अगले नेक्स्ट 15 डेज के अंदर साइंस एंड टेक और जो करंट अफेयर है उनको आप साथ साथ में लेके चल सकते हो, और फिर लास्ट के 15 डेज के अंदर आप ना फाइनल जो अपना ना फाइनल रीडिंग है वो दे सकते हो। तो ये दोनों ही टाइमलाइन है ना मतलब कि लोग फॉलो करते हैं, एक में जिसमें रिविज़न टेस्ट आप साथ में लेते हो, एक ही सब्जेक्ट लेते हो, इसमें दो सब्जेक्ट आप साथ में ले रहे हो जिसमें एक फैक्चुअल कंसेप्चुअल नेचर का है और रिविज़न और प्रैक्टिस है ना जो आप लास्ट में कर रहे हो। दोनों चीज़ों को करते समय एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि जिस सब्जेक्ट को भी पढ़ो ना उससे पहले एक बार उसके PYQs को ना साथ में देख लेना, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बनता रहेगा कि इस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, RPSC किस चीज़ को इम्पोर्टेंट मानती है। अब आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे, इन डाउट्स को मैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर है ना अच्छे से कवर करूँगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको छोटा छोटा मैं एकदम हिंट दे देता हूँ, जैसे कि सर हम कौन सी कोचिंग के नोट्स पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें, तो ये चीज़ मैंने आपको बहुत बार बताई है कि सब कोचिंगों के और सब मतलब नोट्स हैं वो हर नोट्स एक ही किताब से निकले हुए हैं, अल्टीमेटली एक बेसिक बुक है, उसी बुक को अलग अलग तरीके से ना प्रजेंट किया जा रहा है, तो ये मैटर ही नहीं करता आप कौन से नोट्स से पढ़ते हैं, जिस भी नोट्स से पढ़ें। अब जैसे कि ना मतलब ये डिपेंड करता है क्या कि ना विराट कोहली सीएट के बैट से खेलता है, MRF के बैट से खेलता है, होंडा के बैट से खेलता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो स्टिकर अलग अलग हैं, अंदर बैट तो सेम ही है, तो वैसे ही है ना बुक्स और नोट्स का कंटेंट सेम है, ये डिपेंड करता है कि आप उनको कितना बेहतर यूटिलाइज़ करते हैं, जैसे क्रिकेट में आप ना बैट से कितना अच्छा खेलते हैं वो डिपेंड करता है, इसलिए बुक्स एंड नोट्स जो भी आप सेलेक्ट करो, एक नोट्स एक बुक को फॉलो करो, उसको लगातार कंटिन्यू करते रहो एक सब्जेक्ट के लिए। शॉर्ट नोट्स बनाने ज़रूरी हैं क्या, तो देखो आपके पास अभी टाइम कम है तो आपको मैं ना प्रीलिम्स के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने से अवॉइड करूँगा क्योंकि समय बड़ा कम है, तो साहब एक बार पढ़ने के बाद दूसरी बार पढ़ेंगे ना तो फिर से उतना ही टाइम लगेगा, तो क्या करूँ, तो आप ना जैसे ये हाइलाइटर मैं इस वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ उस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ना उनके अंदर आप ना हाइलाइटर यूज़ करें अपने नोट्स के अंदर। टेस्ट सीरीज साहब कौन सी टेस्ट सीरीज लगाएं, कहाँ की लगाएं, कैसे लगाएं, तो मैं ये बता देता हूँ कि टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा केवल प्रैक्टिस के लिए है, तो जैसे कि मानो आप ना मतलब किसी भी ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, जब मतलब नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो आपका वो फ़र्क पड़ता ही नहीं है कि यार वो नेट्स ना नॉर्थ डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, आपको प्रैक्टिस से मतलब है, वैसे टेस्ट सीरीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी कोचिंग की है कौन सी कोचिंग की नहीं है। सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है मतलब ये शॉप के ऊपर जाओ, वहाँ 20-25 रुपये के अंदर प्रीलिम्स का टेस्ट मिल जाता है, उसको लेके आ जाओ घर पे, पेपर लगा लो, आपको अपनी आइडिया लग जाएगा। फिर सर कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, मैं देखो हमेशा से ये चीज़ कहता हूँ कि ना जब आपको लगे ना
कि आप ना खुद से पढ़ के चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं और आपको असिस्टेंट की ज़रूरत है तो आप कोचिंग लेवें। यदि आपको कॉन्फिडेंस है कि यार जैसे ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, एकदम सिंपल से सब्जेक्ट है, यदि इनको पढ़ने के अंदर आपको किसी भी है ना असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, आपको लगता है आप खुद से पढ़ सकते हैं, तो आप कभी नहीं कोचिंग लें। PYQs इस एग्ज़ाम की जान, और इस एग्ज़ाम की नहीं, सभी एग्ज़ाम की ना मतलब जान है ना, वो PYQs है। तो इसीलिए मैंने जैसे UPSC प्रीलिम्स पे भी केवल PYQs पे किताब लिखी, RS के लिए किताब लिखी, वो भी केवल PYQs पे किताब लिखी, क्योंकि PYQs ना इस एग्ज़ाम की जान है, PYQs सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर NCERT का क्या स्टेटस है, NCERT आपको मस्ट 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 NCERT को सबसे पहले आपको कवर करना चाहिए, क्योंकि आप 150 क्वेश्चन देख रहे हैं। यदि 7-8 NCERT आपने कवर किए हैं तो उन 7-8 NCERT में इसमें मिनिमम जो 30 से 40 मतलब जो मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो ना आपके NCERT और स्टैंडर्ड बुक्स में मिल जाएंगे, और मेंस के अंदर तो NCERT और भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने हल्का हल्का बता दिया, बाकी हम कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़ें, कैसी बुक नहीं पढ़ें, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे, एक एक के नोट्स के ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे। तो आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझे बता दें। इसमें मैंने वीडियो में एक मेजर जो 100 डेज की स्ट्रेटेजी थी उसको डिस्कस करने की कोशिश की। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं आप यहाँ पर लिखें और टेलीग्राम पर लगातार फॉलो करें। टेलीग्राम के ऊपर अपन अब नया डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे, जो भी मेरी गाइडेंस होगी टेलीग्राम पे आप सभी लोगों को फ्री में मिलती रहेंगी, ताकि आप ना अच्छे इंसान हो, और अच्छे इंसानों को ज़्यादा से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आना चाहिए, ताकि हम एक मजबूत भारत बना सकें, एक मजबूत राज्य बना सकें। तो आप सभी लोग लगे रहो, अच्छे से मेहनत करते रहो। डाउट्स आर मोस्ट वेलकम। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।